हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी स्पिरिचुअल थेरापिस्ट पूर्बा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, चाहे पे क्रश हैं, अनकन्फेस्ड लव है, वन साइडेड लवर हैं, एक्स पार्टनर है, करेंट पार्टनर या हस्बैंड है, वाइफ है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, उनका क्या मैसेज है जो वो कन्वे नहीं कर पा रहे। नो मैटर आपका कॉन्टैक्ट है नहीं है, लेकिन ऐसे कौन सी बातें हैं जो आपको कहना चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो करंट के कुछ ऐसी मैसेजेस, ऐसे थॉट्स, ऐसी बातें जो वो आपको कहना चाहते हैं, हम आज रिवील करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। ओके, और आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, आपको अपने पर्सन का नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है, ठीक है। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको ये वाला फर्स्ट कार्ड चूज़ करना है, दिस इज पाइल नंबर 1। एंड अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको ये वाला कार्ड चूज़ करना है, दिस इज कार्ड नंबर 2। ओके, और यू कैन से पाइल नंबर 2। सो दिस इज ए टू एम, दिस इज एन टू जेड। सो आप अपने पर्सन के नेम के अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। अगर आप न्यू बैच के लिए एनरोल करना चाहते हो, ऑनलाइन टैरो क्लासेस लेना चाहते हो, टैरो का रीडर बनना चाहते हो या फिर खुद के लिए सीखना चाहते हो तो आप डेफिनेटली सीख सकते हैं, और उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गिवन व्हाट्सअप नंबर पर या इंस्टा आई डीज़ पर। इंस्टाग्राम में भी ज़रूर जुड़िए। इंस्टा की आई डीज़ है पूर्वा घोष, और सेकंड इंस्टा आई डी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, और यूट्यूब के मेरे सेकंड चैनल का नेम तो आप सबको पता ही है, मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, जहाँ पे आपको बहुत तरीके के कंटेंट देखने को मिल जाएंगे रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। तरह तरह के प्रेडिक्शंस, तरह तरह की रीडिंग, करियर रीडिंग्स भी मैंने वहाँ पर ऑलरेडी किया है, चेक कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हो, स्टडी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड कुछ भी है, सारे प्रेडिक्शंस आपको मेरे सेकंड चैनल पे मिल जाएंगे। तो मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा को ज़रूर चेक कीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। मैनिफेस्टेशन के बारे में आपको पता चल सकता है, टेक्निक्स पता चल सकती है, लाइफ के बारे में पता चल सकता है। बहुत कुछ मैंने ऑलरेडी कंटेंट जो है डालकर रखा हुआ है आप सबकी मदद करने के लिए। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है। सो ये आपके क्रश, लवर, एक्स, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी हो सकता है, कोई भी आपका लव इंटरेस्ट हो सकता है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि आप सबके लिए है। और जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी, तो कीप एन ओपन माइंड। ओके, सो यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है, इसको एंड में देखेंगे इस कार्ड को। ओके, सो लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग करी हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और अपने कनेक्शन पे फोकस बना कर रखें। आप इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं, इंस्टा की आईडी है पूर्वा घोष एंड मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, और मेरे सेकेंड यूट्यूब चैनल जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, वहाँ पर मैं ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट जो है डालकर मैंने रखा हुआ है रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। सो आप चाहे तो मेरे सेकंड चैनल पर विजिट करके तरह तरह के प्रेडिक्शन, दूसरे टॉपिक्स पे आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है। मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, रेमेडीज से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो उस चैनल को भी ज़रूर चेकआउट करें। ओके, क्योंकि आई एम डैम श्योर बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी और बहुत सारी चीज़ों का आप अप्लाई भी कर पाओगे अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो मेरे सेकंड चैनल को भी ज़रूर विजिट करो और वहाँ पर भी आप फैमिली की तरह जुड़ जाओ। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। ऑनलाइन टैरो क्लासेस की बैच जो है वो स्टार्ट होगी, तो अगर आप सीखना चाहते हो, ऑनलाइन एनरोल करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर। हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, the world. Ten of Pentacles. Bottom of the deck से we have the Hanged Man. यहाँ पर सारे साइंस है गए, सारे राशियाँ हैं. ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं. आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़, आपके जो पर्सन है आपको बताना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है आपके बगैर, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी खुशी उनके अंदर है ही नहीं. मतलब अगर आप उनके साथ रहते हो, ठीक है, या फिर आप उन्हें अगर प्यार करते हो, तो आप उन्हें प्यार तो करते हो, आप रहते तो हो, लेकिन आप उनके साथ खुश नहीं रह पाते. ऐसा आपके पर्सन को लगता है. तो उनको ऐसा लगता है कि ये आपको कभी खुश नहीं रख सकते, या फिर आप इनके साथ रहकर कभी भी खुश नहीं हो पाओगे, नो मैटर ये क्या कर लें. तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये यही सब सोचते हैं और ये इंसान आपका वेट करते रहते हैं. ये एनर्जी मुझे आ रही है. इनको ऐसा फील होता है कि आप हर एक दिन इनसे दूर जाते जा रहे हो. ठीक है, हर एक दिन जब सुबह उठते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप एक कदम और दूर जा चुके हो, एक कदम और पीछे जा चुके हो, और धीरे 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 आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, जिसे वो खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, खुद महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ, दूरियां बन रही है. तो ये इंसान जो है आपको दूर से ही देखते रहते हैं. मन में बहुत पेन है, ठीक है. ये आपको बताना चाहते हैं कि इन्हें हमेशा ऐसा महसूस होता रहता है कि आप इनके करीब नहीं आते, बल्कि आप इनसे दूर जाते हो. और जब आप दूर जाते हो, जब आप दूर रहते हो, जब ये इंसान आपको तंग नहीं करते या कांटेक्ट नहीं करते, तब आप ज़्यादा फ्री रहते हो, ज़्यादा खुश रहते हो. लेकिन जब ये आपके लाइफ में आ जाते हैं, या फिर जब ये इंसान एंटर कर जाते हैं, तब आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है. ऐसा इस पर्सन को लगता है. तो ये इंसान डेफिनेटली आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आपका वेट करते हैं, लेकिन साथ में इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर जाते जाते हो. हर एक पल, हर एक वक्त में इनको ऐसा लगता है कि दूरियां बढ़ती जा रही है, दूरियां बढ़ती जा रही है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, और कुछ कंक्लूजन तक चीज़ें नहीं पहुँची, कुछ सल्यूशन नहीं मिल पा रहा है. विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये इंसान आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, ठीक है. चाहे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हो, या फिर कुछ आपके लिए स्पेशल करना चाहते हो, या फिर आपको कमिट करना चाहते हो, कुछ भी हो, या शादी करना चाहते हो, या फिर शादीशुदा हो तो आपके हस्बैंड या वाइफ है तो उनके साथ, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं. लेकिन इनको ऐसा लगता है कि जो ये इंसान आपके लिए कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जो ये आपके लिए करना चाहते हैं वो सफिशिएंट नहीं है. तो मुझे कहीं ना कहीं एक रोने वाली वाइब आ रही है, जहाँ पर ये रो रो कर आपको बताना चाहते हैं कि आपके ड्रीम्स, आपके एक्सपेक्टेशंस ये कभी भी मीट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वो है ही नहीं आपको देने के लिए. इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो, या फिर ऐसा इनको फील होता है कि आप आपका लाइफस्टाइल बहुत अलग है, या फिर आपके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं. हो सकता है, और ये पर्सन बहुत हो सकता है सिंपल लाइफस्टाइल जीती हो, ऐसा पॉसिबल है. सो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ है, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब उनको रियलिटी सामने आती है, याद आता है कि आप दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से या अलग अलग लाइफस्टाइल से बिलोंग करते हो, तब ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं. फिर वो चाह कर भी आपके लिए कुछ कर नहीं पाते. सो अगर ये इंसान आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, अगर ये इंसान कुछ आपको कमिटमेंट नहीं देते, तो इनके मन में खुद के डर हैं कि ये आपको कभी भी एक खुशहाल ज़िंदगी नहीं दे पाएंगे, या फिर जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको ये नहीं दे पाएंगे, और आपको कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो पीछे हटते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये आपको कांटेक्ट नहीं करते या कमिट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान से प्यार नहीं करते. ये मैसेज ये इंसान आपको देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर्सन ने ये इस बारे में आपसे खुल के बात नहीं की. अब जाहिर सी बात है, ये सारी चीज़ें जो है पर्सनल लेवल पर एक इंसान के अंदर ही चलती है. ये अपनी वीकर साइड नहीं दिखाना चाहते हैं आपको. ओके, ये एनर्जीज़ हैं. विद द वर्ल्ड कार्ड, ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि ये इंसान आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और इनकी इच्छा भी है कि आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करो, कुछ अच्छा करो, और ये आपको हैप्पी देखना चाहते हैं, ठीक है. इनको कोई परवाह नहीं है कि अगर आप इनसे दूर चले गए या कुछ, ये अल्टीमेटली आपको खुश देखना चाहते हैं. तो ये कहीं ना कहीं आपसे आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपके सपने बड़े हैं, ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, ओके, अगर आपकी इच्छा होती है कि आप किसी और के साथ जाएं, तो आप बेशक जा सकते हैं. क्योंकि इस इंसान को हमेशा सा फील होते रहता है कि आप जो हैं इनको, आपने ना इन्हें प्यार करके गलती की है, ठीक है. ये चीज़ को ये इंसान फील करते रहते हैं. अब ये किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा ही फील होता है. तो ये इंसान को ऐसा लगता है कि इनके वजह से ना आपकी ग्रोथ कभी नहीं हो पाएगी लाइफ में। ये अपने आप को पनौती मानते हैं आपके ज़िंदगी के लिए, आई डोंट नो वाई बट येस। तो ये इंसान आपको ये भी कहना चाहते हैं कि इनको ऐसा महसूस होता है कि अगर ये आपकी ज़िंदगी में रहे तो आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी एक ही जगह पे, ठीक है, या फिर आपको बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो ग्रोथ है होनी चाहिए या फिर जो आपके ड्रीम है, गोल्स हैं, उस तक आप पहुँच नहीं पाओगे अगर आप इस पर्सन के साथ कंटिन्यू आपने किया तो ये माइंडसेट इस पर्सन की है और ये सारी चीज़ें ये इंसान आपको खुलकर कहना चाहते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है इस पर्सन ने खुद ही आपसे दूरियां बना ली है अपने डर, अपने इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, और जिसके बारे में आपसे यू नो बात भी नहीं की। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये इंसान आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं। इस इंसान के मन में एक सपना है कि आप दोनों घर बसाओगे, आपके बच्चे होंगे, आपके पेट्स रहेंगे, आपका सुंदर एक घर रहेगा जहाँ पे सुकून होगा और आप दोनों बहुत यू नो एक कंपेनियन की तरह, एक पार्टनर्स की तरह आराम से जी रहे हो। ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस है आपको लेकर। इस पर्सन ने आपके साथ ड्रीम्स देखे हैं, बस ड्रीम्स देखे नहीं है बल्कि बहुत हद तक प्लानिंग भी की है कि ये आपके साथ ही यू नो चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे अपने लाइफ में। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, मतलब इनके हाथ में कोई पावर ही नहीं है, करेज ही नहीं है। ये आपको बताना चाहते हैं कि इनके दिलो दिमाग में आप अभी भी रहते हो, लेकिन उन चीज़ों को प्रोसीड कैसे करना है, करना चाहिए या नहीं, इस चीज़ की क्लैरिटी इनको नहीं है, जिसकी वजह से ये इंसान अब जहाँ पर इन्होंने आपको छोड़ा था या आपने इनको छोड़ा था, ये इंसान वहीं पर रुके हुए हैं, कहीं गए नहीं हैं। ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि भले ही ऐसा लग रहा हो कि एक नदी की तरह आप दोनों की ज़िंदगी आगे बढ़ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। तालाब की तरह जो पानी है एक ही जगह पे रुका हुआ है आप दोनों का ही, ठीक है। यानी कि मेरा मतलब ये है कि जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो होप्स हैं, वो अभी भी वहीं पर है। भले ही आप किसी और को डेट कर रहे हो या वो किसी को कर रहे हैं या फिर आप दोनों अलग अलग बिजी हो अपने अपने लाइफ में, स्टिल देन तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि इनके दिलो दिमाग में आप अभी भी हैं, लेकिन इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है या फिर ये अपने आप को बहुत रुका हुआ, अटका हुआ, हेल्पलेस फील करते हैं आपकी तरफ कुछ करने के लिए, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि ये कितना भी कुछ कर ले लेकिन वो चीज़ आपको ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मन में इनके बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं, जिसको लेकर ये इंसान आपसे खुलकर बात करना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ अनसेड है, अभी तक अनकही है, ठीक है। तो इसका बारे में आपको क्लैरिटी नहीं है, हो सकता है हिंट आपको मिला है लेकिन क्लैरिटी नहीं है, मतलब मुंह पे आके इस पर्सन ने आपको बोला नहीं है कि मेरा खुद का प्रॉब्लम है, जिसके वजह से यू नो मैं आपके साथ परस्यू नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, ओके। ये एनर्जीज हैं। हीलर ऑफ द एजेस, ये पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि इनका कोई भी इंटेंशन नहीं था। अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, दुख दिया है या फिर यू नो बहुत ख़राब कुछ बोला है आपको, तो ये इंसान आपसे माफ़ी भी कहीं ना कहीं मांगना चाहते हैं। ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि ये पर्सन एक जेन्युइन इंसान है, तो अगर कभी भी इस पर्सन ने आपके साथ गलत बर्ताव किया है या कुछ गलत किया है आपके साथ चाह कर या ना चाहते हुए भी, तो ये इंसान उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि ये एक जेन्युइन इंसान है। इस इंसान के दिल में आपको लेकर कोई भी यू नो गलत चीज़ें नहीं है, ये सही में आपसे प्यार करते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ हैं जो चीज़ रिफ्लेक्ट करके आपके सामने निकल कर आई और आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स हो सकता है आई हो इस पर्सन की तरफ से बहुत बार, ठीक है। हो सकता है कि ये इंसान आपको खुद की तरह बनाना चाहते थे, ठीक है, वो चाहते थे कि वो आपको डोमिनेट करे, वो चाहते थे कि जिस तरीके से वो जीते आप भी उसमें सेटल कर जाओ या कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओ, ठीक है, एडजस्ट कर जाओ, लेकिन हो सकता है वो सारी चीज़ें आप नहीं कर पाए, आपसे नहीं हो पाया, तो फिर उन्होंने क्या किया, जो चीज़ें जो है ना ख़राब करनी स्टार्ट की। तो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि ये कितने ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं जब उनको याद आता है कि इन्होंने आपको डोमिनेट करने की कोशिश की या फिर इन्होंने अपने ही पर्सपेक्टिव को सही मानकर आपके बारे में नहीं सोचा, आपकी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा और बस यही सोचते रह गए कि अगर आप इनकी तरह ढाल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए इंसान आपसे माफ़ी भी कहीं ना कहीं मांगना चाहते हैं। ये कार्ड देख लेते हैं। When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expand your understanding of life and love. तो मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा दोषी मानते हैं, क्योंकि बहुत बार ये इगोइस्टिक हो गए, बहुत बार इन्होंने जो है ना सही गलत के चक्कर में आपके रिश्ते को ख़राब किया, मौका नहीं दिया आपके रिश्ते को, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की। तो इस इंसान को अभी बहुत ज़्यादा दुख है कि प्यार को इम्पोर्टेंस ना देकर इन्होंने बाकी चीज़ों को क्यों इम्पोर्टेंस दिया, बाकी चीज़ों को क्यों ज़्यादा यू नो प्रायोरिटाइज़ किया, बाकी चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेशन इनका क्यों गया, जबकि प्यार था उसको इन्होंने साइड में रख दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनके मन में कहीं ना कहीं है, जो ये इंसान आपको खुल के बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बता पाते हैं, और अंदर इनका जो मन है ना वो सिसकते रहता है, ठीक है। इनका मन जो है पेन में रहता है, लेकिन ये इंसान एक प्रिटेंडिंग एनर्जी में रहते हैं जहाँ पर बेबस फील करते हैं, ठीक है। सो गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर N से Z के बीच में आता है तो देख लेते हैं आपके जो भी पर्सन है, चाहे क्रश हो, एक्स हो, लवर हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो, सिचुएशनशिप में कोई हो, फ्रेंड जोन कोई हो, जो भी आपके लव इंटरेस्ट है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं करंटली, ठीक है, क्या मैसेजेस, क्या इमोशंस, क्या थॉट्स है जो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं किया है। तो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। यूट्यूब के मेरे सेकंड चैनल जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, ज़रूर चेकआउट करें। आपको तरह तरह के डिफरेंट टॉपिक्स में प्रेडिक्शंस, रीडिंग्स, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, रेमेडीज से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत कंटेंट देखने को मिल जाएगा। तो ज़रूर विजिट करें, बन जाइए फैमिली का हिस्सा मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा चैनल पे भी। इंस्टा में भी आप जुड़ सकते हैं, इंस्टा की आईडीज़ है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, ओके, जहाँ पर मैं प्लान कर रही हूँ कि टाइम मिलते ही आई विल डू अ फ्री रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू, सो या यू कैन ज्वाइन देयर। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और न्यू बैच के इनरोलमेंट में अगर आप आना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हो, ऑनलाइन टैरो रीडर बनना चाहते हो या खुद के लिए सीखना चाहते हो, तो नेक्स्ट बैच के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इस कार्ड को मैं साइड में कर देती हूँ, इस कार्ड को मैं एंड में देखूँगी, ओके ओके। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखें अपने कनेक्शन पे। We have 7 of Wands, we have Ace of Cups, the Fool, Queen of Pentacles. Bottom of the deck we have 6 of Swords. तो यहाँ पर सारे साइन, सारे राशियाँ ही मौजूद हैं ऑलमोस्ट, या ओके। सो आपके जो पर्सन है, देखिए मुझे यहाँ पर 2 स्टोरीज़ नज़र आ रही है। एक मुझे उनका सिनारियो नज़र आ रहा है जिनका सेपरेशन है, यानी कि अगर आपका सेपरेशन हो सकता है, ठीक है, इस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, ओके। और दूसरे ग्रुप के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका कोई कनेक्शन शुरू नहीं हुआ है, एक सिचुएशन बना है या कभी यू नो फ्लर्टिंग या फिर कुछ कैजुअल हुआ था सरफेस लेवल पर, लेकिन एज सच कोई कमिटमेंट या कोई रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग लेवल पर इस पर्सन के साथ आपका शुरू ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे 2 स्टोरीज़ मुझे क्लियरली नज़र आ रहे हैं, 2 मैसेजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो जो आपके साथ रेजोनेट करे आप उसे लीजिएगा अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहली चीज़, जो लोग सेपरेशन में हैं अभी या नो कॉन्टैक्ट पीरियड में, ऑन एंड ऑफ में, उनके लिए बताना चाहूँगी कि उनके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली 2 मैसेज नज़र आ रहे हैं, ओके। सो अगर आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है, अगर आपके पर्सन इन्होंने आपसे बात करनी बंद करी है, तो सबसे पहली चीज़ ये इंसान आपको कहना चाहते हैं कि इनके लाइफ में कुछ मजबूरियां हैं या फिर इनके लाइफ में कुछ बाउंड्रीज़ हैं या इनके लाइफ में कुछ मोरल वैल्यूज़ हैं या कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जिसे इन्हें फॉलो करना है, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये अगर आपसे दूर गए हैं या इन्होंने दूर जाने की कोशिश की है तो इन्होंने नोइंगली नहीं की या फिर जानबूझकर अपने मर्ज़ी से नहीं की, ठीक है, ये मजबूर थे और इनको पता था कि इनको आपसे दूर जाना ही पड़ेगा या फिर इनको आपके अगेंस्ट में जो है ना गार्ड्स क्रिएट करने ही पड़ेंगे, बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी और यू नो आपके साथ जो है जितना हो सके उतना दूरी क्रिएट करना बेहतर होगा। कुछ मजबूरी इस पर्सन के लाइफ में, कुछ पर्सनल इशू भी हो सकता है, कुछ ना कुछ ज़रूर था जिसके बारे में इस पर्सन ने आपसे खुल के बात नहीं की, लेकिन ये आपको अभी बताना चाहते हैं कि एक मेजर रीज़न था जिसके वजह से वो ना चाहते हुए भी उन्होंने जो है ना आपसे हो सकता है रूडली बात की, ठीक है, आपसे बात करनी कम कर दिया या बात करना बंद कर दिया, मिलना बंद कर दिया, रिजर्व्ड हो गए, ठीक है, और उनकी हरकतें भी चेंज होने लगी, ठीक है, इनके बात करने का तरीका भी चेंज होने लगा आपकी तरफ, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि इनको लाइफ में कुछ करना है, ठीक है। तो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि ये इंसान आपसे अभी भी बहुत प्यार करते हैं और बहुत दिल से प्यार करते हैं, ठीक है। इनके दिल में एक अनकंडीशनल लव है आपके लिए, जहाँ पर एक ऐसा प्यार है जो कभी फेड नहीं हो सकता या फिर आपकी जगह जो इनके ज़िंदगी में है उसे कोई नहीं ले सकता। ये इंसान आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि भले ही इस पर्सन ने कैसा ही बिहेव क्यों ना किया है, भले ही कैसा ही कुछ भी किया हो, लेकिन ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि इनका प्यार सच्चा है आपके लिए, ये जेन्युइनली इमोशनली आपके लिए फ़ील करते हैं, ठीक है। ये अभी भी सोचते हैं कि कुछ चीज़ें काश यू नो आगे बढ़ रही होती या चीज़ें चल रही होती, लेकिन चीज़ें उस हिसाब से नहीं हुई, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि इनका जो प्यार था उस पर आप कभी भी शक मत करना या फिर इनके प्यार में आप डाउट मत करना कि शायद सब कुछ फेक था। जब इस पर्सन ने ऐसी हरकतें की तो प्यार सच्चा हो ही नहीं सकता, लेकिन ये इंसान को पता है कि आप ऐसा सोचोगे, तो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि इनके बिहेवियर पे या फिर इनके चीज़ों पे मत जाओ, दिल से अगर देखोगे तो ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि ये अपने लाइफ में कुछ करना चाह रहे थे या लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे थे या किसी एक चीज़ पे फोकस करना चाह रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे आपके रिश्ते को, आपके रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, और उस चीज़ को डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे थे। टॉक्सिसिटी बढ़ रहा था इनके दिलो दिमाग में, नेगेटिविटी बढ़ रही थी आपके साथ चीज़ों को कंटिन्यू कर कर, तो इन्हें ऐसा लगा कि मुझे किसी चीज़ को पाने के लिए, यू नो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इस पर्सन से दूर जाना ही होगा क्योंकि मेरे हाथ में कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि कुछ लाइफ में यू नो सक्सीड करने के लिए या लाइफ में कोई नया शुरुआत करने के लिए या कुछ करने के लिए ये पर्सन ने जो है ना आपको हर्ट किया या फिर इस पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई ना चाहते हुए भी। इस पर्सन का मन कभी नहीं मान रहा था ना अब मानता है कि ठीक है इन्होंने इस तरीके की चीज़ें की, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने लॉयल्टी के अगेंस्ट जाकर, अपने लव के अगेंस्ट जाकर इस पर्सन ने जो है ना आगे बढ़ने की ठानी। इस पर्सन ने सोचा नहीं कि आप क्या सोचोगे या आपके बिना वो कैसे रह पाएंगे, क्योंकि वो आपसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को पाने के लिए या यू नो उनको ऐसा फील होता था कि आप दोनों का जो पाथ है वो अलग है, आप दोनों कभी एक हो नहीं पाओगे किसी भी रीज़न से, तो मजबूर होकर इस पर्सन ने दूरियां बनाई। तो ये इसकी भी एक्सप्लेनेशन ये इंसान आपको अभी देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि जिस तरीके से इस पर्सन ने आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट की उस हिसाब से हो सकता है कि आपको बहुत फील होता है कि ये पर्सन बहुत इमेच्योर है या फिर मतलब कोई रीज़न नहीं था, कुछ नहीं था, अचानक से तूफान आ गया आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। तो उस कनेक्शन में जो तूफान आया इस पर्सन ने ही जो है उस चीज़ की इन्विटेशन दी थी और अपने विल के अगेंस्ट जाकर उन्होंने किया था, क्योंकि उनको आप दोनों का फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था। उनको लग रहा था कि बिल्कुल अगर वो आपके साथ कंटिन्यू करते हैं तो वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे, वो आज़ाद ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे, जो सपने उनके हैं उस जगह तक वो पहुंच नहीं पाएंगे, उस तरीके के लेवल को ये इंसान सक्सीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये इंसान आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आज वो जिस जगह पर हैं या फिर जैसे वो जी रहे हैं उस ज़िंदगी से वो बहुत खुश हैं, बहुत हो सकता है उन्होंने उन्नति की है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस उनके बढ़े हैं या फिर जो भी ड्रीम्स थे वो 1 by 1 उनके पूरे हो रहे हैं। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि अब ये एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर इनको बहुत अब रियलाइजेशन हो रहा है कि अगर वो ये सारी चीज़ें नहीं करते तब भी यू नो आप दोनों का फ्यूचर होता ही होता, ठीक है, और उनको अपना स्पेस भी मिल जाता, ठीक है, लेकिन वो चीज़ पहले इनको लग रही थी कि नहीं मिलने वाली। तो अभी इंसान आपको बताना चाहते हैं कि अभी भी इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी वो खालीपन महसूस करते हैं, उनको हमेशा आपकी याद आती रहती है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको बहुत प्यार करें, ठीक है। तो जो सक्सेस या जो चीज़ उनको मिलनी थी वो मिल चुकी है, उसके बावजूद भी उनको एक एम्प्टीनेस कंटिन्यूसली फ़ील होता है आपके बगैर, आपसे दूर रहकर, ठीक है, या फिर आपसे बात ना करके उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो ये बताना चाहते हैं कि ये इंसान आपको वापस तो पाना चाहते हैं, आपको ढेर सारा प्यार करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने हरकतें की हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उनका सामने से आपके सामने आना, आपको कुछ इनिशिएट करना सही नहीं होगा, क्योंकि आप उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते। अगर ये सामने से अगर आपको अप्रोच करते हैं तो उससे आपकी वैल्यू कम होगी, आप डिसरेस्पेक्ट हो जाओगे इस पर्सन के थ्रू। तो ये ऐसी माइंडसेट में ये इंसान है और ये चीज़ आपको ये इंसान कन्वे करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी ये इंसान आपके साथ ही प्यार करते हैं और आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, अब यूनियन में आना चाहते हैं, ये इंसान आपको बताना चाहते हैं। दूसरा, अब दूसरे ग्रुप के लिए बात कर लेती हूँ, जिनके पर्सन जैसा मैंने बताया कि आपका कोई कनेक्शन बना नहीं था, कमिटमेंट नहीं आया था या रिलेशनशिप में नहीं गए थे, ठीक है। तो उनके लिए बताना चाहूँगी कि ये पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं कि ये इंसान अपने कुछ पास्ट के इश्यूज़ के लिए अपने आप को इस पर्सन ने गार्ड कर रखा है, ठीक है। लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अगर इन्हें कोई प्यार कर सकता है या फिर अगर ये किसी के साथ खुश रह सकता है तो वो है आप। लेकिन क्योंकि इनके पास्ट की कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकता है हॉरिबल रहे हों, हो सकता है बहुत प्रॉब्लमेटिक रहे हो लव मैटर में, तो इससे ये इंसान बहुत ज़्यादा डरे या वुंडेड से रहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हो सकता है आपसे ज़्यादा बात नहीं करते, मिलते नहीं हैं, आपको देख कर ही चले जाते हैं, ठीक है, या आप एक्सप्रेस करते हो तो वो नहीं करते हैं बेसिकली। तो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि इनके मन के अंदर भी इमोशंस हैं, ठीक है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा न्यू एंड फ्रेश, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हैं जब भी ये इंसान आपको देखते हैं, आपसे बात करते हैं या फिर आपसे मिलते हैं। अलग सा ही खुशी ये इंसान महसूस करते हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए हैप्पीनेस हो, बिकॉज जो एक्साइटमेंट, जो हैप्पीनेस इनके लाइफ में गायब थी, वो चीज़ इनके लाइफ में आपने वापस लाया है। और ये इंसान जब भी आपको देखते हैं तब इनके मन से हर एक तरीके का डर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आपने हो सकता है बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है, स्ट्रेंथ भी दिया है, इस पर्सन को गलत चीज़ों से निकाल कर भी हो सकता है कि आप लाए हो बहुत ज़्यादा, यू नो, इस पर्सन को हो सकता है आपने सुधारा भी है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं कि आप इनके ज़िंदगी में हो, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आपकी वजह से वो बहुत कुछ बेहतर कर पा रहे हैं या फिर एक अच्छे इंसान बन पा रहे हैं। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि इमोशंस तो इनके अंदर भी हैं, ये इंसान आपको अपने अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में हमेशा रहो। ये इंसान आपको भी अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास की वजह से ये इंसान डरते हैं कि कहीं अगर इन्होंने एक्सप्रेस कर दिया और फिर आप दूर चले गए तो क्या होगा। इसी डर से मुझे लग रहा है कि ये इंसान अभी तक एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि क्लियरली इनके मन में आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स हैं। ये इंसान आपके साथ सीरियस होना चाहते हैं, आपके रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं और स्टेबिलिटी के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप लाइफ टाइम इनके एक सपोर्ट सिस्टम बन के रहो। लेकिन मन में डर है, जिसकी वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि अगर ये एक्सप्रेस कर दें और आपके मन में कुछ ना हो इनके लिए, तो कहीं आप जो है ना दोस्ती भी ना तोड़ दो, या फिर जिस तरीके से मिलते हो, बात करते हो, वो भी आप दोनों का कहीं बंद ना हो जाए। इस डर से ये इंसान आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है। तो ये मैसेज ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, नंबर 34। सो यस, ये जो इंसान है आप उनके लिए हैप्पीनेस हैं, ठीक है। दोनों ग्रुप्स के लिए बता रही हूँ, आप उनके लिए हैप्पीनेस हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ में भले ही कुछ भी कर लें, कुछ भी मिल जाए, लेकिन अगर आप हो तो रियल हैप्पीनेस है उनके लाइफ में, ठीक है। असली में वो हैप्पी एंड पीसफुल तभी रहते हैं जब आप उनके साथ हो, तो या फिर उन्हें एक एहसास होता है कि हाँ, मुझे प्यार करने वाला ये इंसान मेरे लाइफ में मौजूद है, ये कहीं मुझसे दूर नहीं गया है, ठीक है। तो ये मैसेज आपको देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उनकी रियल खुशी है, ओके। और इस कार्ड में देख लेते हैं, वी हैव एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड मिसिंग पीसेस। तो इंसान आपको मैसेज देना चाहते हैं कि ये इंसान आपको एज अ अदर हाफ देखते हैं, आपको एज अ मिरर सोल देखते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके बिना मन में कुछ खालीपन है, लाइफ में कुछ खालीपन है, और जब आप इनके साथ आते हो या रहते हो या बात करते हो तो उन्हें एक फुलफिलमेंट महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में अब किसी चीज़ की कमी नहीं है, और अगर है तो उन सारी चीज़ों को वो पा लेंगे। लेकिन जब आप दूर हो जाते हो या फिर आपके साथ अगर अभी अलग है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल पे थोड़ा सा कम ही, थोड़ा सा फटीक, थोड़ा सा ज़्यादा लेज़ी फील करते हैं। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको अदर हाफ के रूप में, सोलमेट के रूप में, ट्विन फ्लेम के रूप में या फिर लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। ये चीज़ ये इंसान आपको कन्वे करना चाहते हैं, ठीक है। सो इस पर्सन की आप ज़िंदगी हो, आप इस पर्सन के जान हो, ओके। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।